हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की वीक 14 की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है चैप्टर 14 गुलीवर्स ट्रैवल्स, गुलीवर की यात्राएं। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। इससे पहले हम यहां पर कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, जैसे इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट का मतलब होता है वो लोग या जानवर जो किसी जगह पर रहते हैं। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी या जीव जिसमें जीवन होता है यानी जान होती है। रीप, रीप का मतलब होता है काटना। और फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डराना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पैसेज दिया गया है कहानी का, इस कहानी के पैसेज को पढ़ते हैं। ऑन दिस वॉयज गुलीवर गोज टू द सी एज अ सर्जन ऑन द मर्चेंट शिप एंटीलोप। बच्चों, एक व्यापारियों का जहाज था जिसका नाम था एंटीलोप, उसी पर गुलीवर समुद्री यात्रा पर गया था। वो एक चिकित्सक के तौर पर गया हुआ था। द शिप इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ हैवी विंड स्टॉर्म, और एक भयंकर तूफान में जो वो जहाज था वो टूट गया। एंड गुलीवर द ओनली सर्वाइवर स्विम्स टू अ नियर बाय आइलैंड लिलीपुट, और उसमें केवल गुलीवर ही जिंदा बचा। वो तैर करके पास में एक टापू था, द्वीप था लिलीपुट, उस पर वो चला गया। बींग नियरली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ओर्डियल ही फॉल्स अस्लीप, और अपने इस सारे दुर्भाग्य पर थके हुए वो वहाँ उस टापू पर आकर के सो गया। Upon awakening, he finds that the island's inhabitants, who are no longer than 6 inches tall, और जब वो उस टापू पर सोने के बाद में जगा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत छोटे थे, उनकी लंबाई केवल 6 इंच थी। They have captured him, और उन्होंने उसे पकड़ लिया था। After the inhabitants examined Gulliver and provide him with food, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने गुलीवर की जाँच की और उसको थोड़ा खाना दे दिया। Emperor of this country orders his subjects to move Gulliver to a little used temple, और वहाँ के राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गुलीवर को वहाँ पर एक कम इस्तेमाल होने वाले मंदिर के अंदर रख दो। The only place large enough to house him, और उस टापू पर वही एक ऐसी जगह थी सबसे बड़ी जहाँ पर कि उसको रखा जा सकता था। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। How did Gulliver's ship get destroyed? गुलीवर का जहाज कैसे टूट गया था? गुलीवर का जहाज एक भयंकर तूफान के कारण टूट गया था। आंसर लिखते हैं, Gulliver's ship get destroyed due to a heavy wind storm. Second, when Gulliver woke up, what did he see? जब गुलीवर उठ गया तो उसने क्या देखा? जब गुलीवर उठा तो उसने क्या देखा? वहाँ के छोटे छोटे निवासी। When Gulliver woke up, he saw little inhabitants. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट वॉज द हाइट ऑफ द आइलैंड इनहेबिटेंट्स। आइलैंड यानी टापू पर रहने वाले लोगों की लंबाई कितनी थी? उनकी लंबाई थी 6 इंच। हम आंसर लिखते हैं, द हाइट ऑफ द आइलैंड इनहेबिटेंट्स वॉज 6 इंचज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज गुलीवर सेंट टू हाउस इन। गुलीवर को रहने के लिए कहाँ भेजा गया? हमने पढ़ा था गुलीवर को रहने के लिए एक बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाले मंदिर में भेज दिया गया था। गुलीवर वॉज सेंट टू अ लिटल यूज टेम्पल टू हाउस इन। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट वर्ड का मीनिंग लिखना है। एग्जॉस्ट वर्ड का मीनिंग होता है थका हुआ, थक जाना, जिसका मतलब होता है टायर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, कंपैरिजन लिखना है, तुलना करनी है। एज टॉल एज ट्री, पेड़ के जितना लंबा। एज फास्ट एज चीता, चीते की तरह तेज, क्योंकि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। एज हाई एज स्काई, आकाश के जितना ऊँचा। एज एंग्री एज बुल, सांड के जितना गुस्सा होने वाला। एज टाइनी एज आंट, एज टाइनी एज आंट, टाइनी का मतलब होता है छोटा और आंट का मतलब होता है चींटी, यानी चींटी के जितना छोटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इनसे इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। चलिए करते हैं। एज लाइट एज अ फैदर, एक पंख की तरह हल्का। एज स्लो एज अ टॉर्टॉइस, कछुए की तरह धीमा या धीरे। एज वाइट एज स्नो, बर्फ की तरह सफ़ेद। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एक बैल की तरह मजबूत। एज ब्लैक एज नाइट, रात की तरह काला। एज रेड एज अ रोज, ऐसा लाल जितना कि एक गुलाब का फूल होता है। एज वार्म एज अ टोस्ट, टोस्ट के जितना गर्म। एज जेंटल एज अ ब्रीज, बेटा बच्चों जेंटल का मतलब होता है मुलायम या नर्म, तो इसका मतलब हुआ कि मंद मंद धीरे बहने वाली हवा की तरह नर्म या मुलायम। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कंपैरिजन लिखने हैं। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनका कंपैरिजन करके लिखना है। जैसे पहला देखिए, कार्स आर फास्टर देन बाईसाइकल्स, कारें साइकिल से तेज़ चलती हैं।
एलिफेंट्स आर हैवियर देन ह्यूमंस, हाथी मनुष्यों से ज़्यादा भारी होते हैं। माई फ्रेंड इज स्मार्टर देन मी, मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। बीज आर बिजियर देन फ्लाइज, जो मधुमक्खियाँ हैं वो बाकी मक्खियों से ज़्यादा बिजी होती हैं। जून इज़ हॉटर देन मार्च, जून मार्च से ज़्यादा गर्म होता है। इंग्लिश इज ईजियर देन स्पेनिश, इंग्लिश स्पेनिश से ज़्यादा आसान है। आई एम यंगर देन माई कज़िन, मैं अपने कज़िन से छोटा हूँ। अरुण इज़ बेटर देन रोहित एट मैथ्स, अरुण रोहित से गणित में ज़्यादा अच्छा है। माई हाउस इज़ फार्दर देन योर हाउस फ्रॉम अवर स्कूल, मेरा घर तुम्हारे घर जितना स्कूल से दूर है उससे ज़्यादा दूर है। पोएम्स आर शॉर्टर देन स्टोरीज, और कविताएँ कहानियों से छोटी होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आ जायंट ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ लिख दिया हमने। इसी तरह अ जायंट बर्ड, एक बहुत बड़ा पक्षी वो है ईगल। अ जायंट लैंड एनिमल, ज़मीन पर रहने वाला एक बहुत बड़ा जानवर वो है एलिफेंट यानी हाथी। अ जायंट वाटर क्रिएचर, पानी में रहने वाला एक बहुत बड़ा जीव वो होता है व्हेल। अ जायंट रेप्टाइल, और एक बहुत बड़ा रेंगने वाला प्राणी वो है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, हमको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। लैंड, लैंड का मतलब होता है ज़मीन, हम सेंटेंस बनाते हैं वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते हैं। वेसल्स का मतलब होता है बच्चों समुद्री जहाज़, वेसल्स ट्रैवल इन सी, समुद्री जहाज़ समुद्र में यात्रा करते हैं। बोट का मतलब तो पता होगा, नाव, सेंटेंस बनाते हैं बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, नाव पानी पर तैरती हैं। फेंस का मतलब होता है बाड़ या कंटीली तार, फेंस गार्ड्स अवर गार्डन, फेंस